नमस्कार दोस्तों, मैं पर्व वैद्य चेन्नई स्पीक्स की तरफ से एक बार फिर लाया हूँ आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़। एक्चुअली ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, ब्रेकिंग वीडियो जो है कंगना रनौत ने इस वक्त अपलोड किया है यूट्यूब पे। और शेरनी है, बोल्ड लेडी है भाई, धाड़े की ज़रूर, और एक बार फिर उन्होंने दहाड़ा। उनका ये कहना है कि जब उनकी फिल्म आई थी मेंटल है क्या, तो उसमें उसका नाम चेंज हो गया था, जजमेंटल है क्या, पर उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी किसी जर्नलिस्ट से भिड़ंत हो गई थी, मतलब किसी मुद्दे पे लड़ाई हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में उन्होंने कुछ गलत बोल दिया था, गलत लिख दिया था, उस मुद्दे पे उनकी उससे लड़ाई हो गई थी। तो लड़ाई सुलझ गई, काफ़ी देर तक चली, फिर सुलझ गई और कॉन्फ्रेंस ओवर हो गई। बट फिर क्या हुआ, जो वो जर्नलिस्ट था उन्होंने और ऐसा गिल टाइप का बना लिया, ऐसा ग्रुप बना लिया, जो इनफॉर्मल सा ग्रुप, फेक ग्रुप जिसको कहते हैं, उन लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि अब से कंगना रनौत की फिल्म को बॉयकॉट किया जाएगा। और ये किया, ऐसा कंगना ने कहा कि मेरी फिल्म को बॉयकॉट किया जाएगा और इस तरह से। तो ये, और उनका ये कहना था कि कई फेक जर्नलिस्ट भी होते हैं और कई लोग आते हैं जो इस तरह से घुस जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानबूझ के कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए वैसे क्वेश्चन पूछते हैं और अपनी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट्स लिख के कि हमने ये कहा, हमने वो कहा, और उसको छाप देते हैं। तो वैसे ही हुआ उनकी फिल्म के साथ और उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई, क्योंकि उनकी फिल्म पहले बहुत हिट गई थी। उनका ये कहना था कि मेरे को सारे प्रोडक्शन हाउस ने बैन कर दिया था, बट फिर भी मैंने अपने दम पे डायरेक्ट करी फिल्म, बट इन लोगों की फेक गिल्ट ने और इन लोगों की क्या बोलते हैं फेक न्यूज़ ने मेरी फिल्म को फ्लॉप करार दिया। तो ये उनने ये एक बात कही, और उनका ये कहना है कि जो सरकार है अभी जो चल रहा है इंडिया में वो सही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सब होता है जनरली। उन्होंने ट्रंप का एग्जांपल देके कहा कि ट्रंप अगर हारते हैं अभी इलेक्शन तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना को होगा। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने अर्नब गोस्वामी का एग्जांपल दिया कि क्या जब हाई कोर्ट इस चीज़ पे मना कर रहे हैं कि अर्नब की कोई गलती नहीं है, उन्हें रिहा कर जाए, तो भी लोग यहाँ के ऐसे हैं कि अर्नब भी अभी जेल में है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने दोषी ठहराया है इसके लिए। तो साफ साफ इनका जितना भी इशारा था महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की सरकार की तरफ था, और जिस तरह से वो क्या बोलते हैं काम करती है, वो कंगना को काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से सब नहीं पसंद। तो उन्होंने निशाना साधा है अपना और निशाना प्रॉपर जगह पर लगा भी है। आगे हम देखेंगे कि इसका रिप्लाई देने के लिए लोग क्या करेंगे जिन पे उन्होंने निशाना साधा है। लेकिन आप लोग सिने स्पीक्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अपडेटेड न्यूज़ तो हम ही लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।